सारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। आसाम राइफल की टेक्निकल ट्रेड्समैन की 2022 की जो भाइयों ने नर्सिंग असिस्टेंट की फॉर्म डाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों मेरे जो दोस्त है CRPF में है, ठीक है, BSF में है और ITPSS भी बहुत सारे फोर्सेस में है, उनमें भी नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं। तो जो भाइयों ने हमारे नर्सिंग असिस्टेंट में अभी सर्विस कर रहे तो उनसे ये क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के नर्सिंग असिस्टेंट संबंधित ये क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिए। दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रश्न है, व्हिच केमिकल यूज्ड इन सालाइन वाटर, ठीक है, मतलब इसमें क्या सालाइन पानी में कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दोस्तों सालाइन तो आप लोग दिखा होगा, ठीक है, बहुत बंदे की मतलब जो बीमारी होता है, कभी शरीर कमजोर हो जाता है तब तक तो सालाइन चढ़ा जाता है। तो आप लोग ये जानना है इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, वो जो ऑप्शन में आप लोग को चुनना है। और इसको ये ज़्यादातर इसमें क्या है, ज़्यादातर पानी ही रहता है, ठीक है, पर इसमें कुछ एक केमिकल्स रहते हैं, मैं उसको आप लोग को बता दूंगा। सबसे पहले ये आप लोग को पक्का जरूरी पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को बताने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, हमारा जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें तीन ऑप्शन है, NaCHCO3, NaCl, NOH। तो इसमें लिखिए दोस्तों ये है इसका आंसर है NaCl। NaCl जो है सॉल्ट का, ठीक है, सॉल्ट जो नमक को बोलते हैं ना, नमक को ही बोला जाता है, ठीक है, NaCl। तो क्योंकि ज़्यादातर जो है सालाइन में पानी रहता है और नमक ही रहता है, तो इसको ज़्यादातर नमक की पानी होता है, तो इसको सालाइन वाटर को NaCl ही रहता है, ठीक है। इसका आप लोग को पूछा जाएगा, आप लोग को आंसर देना है, ठीक है भाई। तो अब आप आसाम राइफल की ट्रेड टेस्ट में पास हो सकते हो नर्सिंग असिस्टेंट में। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन द, दोस्तों इसको तो मैं इसको हिंदी में नहीं मिला, ठीक है, तो शायद इसका इंग्लिश में ही होगा एग्जाम, बीएसएफ पैरामेडिकल 2013 का। कहाँ पे, फीट, पाद में, अंगूठा में, कान में, नी में। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, ईयर में, कान में सबसे जो है ना छोटा छोटा हड्डी होता है, ठीक है, छोटा छोटा तीन हड्डी, बहुत ही छोटा छोटा हड्डी होता है, तो इसीलिए तो सबसे जो आदमी का जो हड्डी होता है ना, सबसे छोटा हड्डी कान में ही पाया जाता है। इसका आंसर है सी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, व्हिच मशीन यूज्ड फॉर मेजर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को मापने के लिए कौन सा मशीन इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर। देखिए दोस्तों इसका आंसर है ग्लूकोमीटर, ठीक है। ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन मापने के लिए, थर्मोमीटर जो बुखार मापने के लिए, नेबुलाइजर मेरे को इतना पता नहीं, तो मैं ये जानता हूँ ग्लूकोमीटर जो है ब्लड की शुगर मापने के लिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो दोस्तों ये देख लो दोस्तों, ये जो है ग्लूकोमीटर है, ठीक है। ये ग्लूकोमीटर जो है इसमें इस स्टीज जैसा होता है, आदमी जो हाथ का खून लगा के इसमें से लगा के, ठीक है, इसमें से पता चल जाता है कि आपके शरीर में ब्लड शुगर कितना है, इसको बोला जाता है ग्लूकोमीटर। इसको आप लोग को मालूम होना जरूरी है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए हार्ट बीट, मतलब दिल धड़कने के लिए अनुमानित समय का की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, आसाम राइफल ही पूछना ही जाता है, ठीक है। दोस्तों एक जो दिल की धड़कन में आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे होता है, देखिए ECG में दिखा होगा, ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके जाते रहते रहते इसमें माप होता है, तो ठीक है। तो इसका जो है मिनिमम जो कितने सेकंड लगता है आप लोग ये जान लो, हर मिनट में 72 बार एक मतलब दिल धड़कता है, ठीक है। तो जिसका जो सुस्त जो अपना सबसे हेल्दी आदमी का 72 बार वो दिल धड़कता है, ठीक है दोस्तों। तो कौन कितना टाइम सेकंड में एक बार, 0.8 सेकंड, ठीक है, इसका जो आंसर है 0.8 सेकंड में एक बार दिल धड़कता है, ठीक है, क्योंकि एक मिनट आप लोग जानते हो 72 बार दिल धड़कता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न होची है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रेसिंग, इसमें से कौन सी मरम पट्टी जो होता है ना ड्रेसिंग होता है तो इस्तेमाल किए नहीं आ जाता है। गौज इस्तेमाल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्योंकि जब हड्डी बड्डी टूट जाता है इसको इस्तेमाल होता है। अल्कोहल, देखिए अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जो आप लोग को जो घाव वगैरह इन्फेक्शन ना कर ले तो इसके लिए, देखिए दोस्तों स्टेथोस्कोप इस्तेमाल ले किया जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्टेथोस्कोप इस्तेमाल लेके इसको ज़्यादातर हार्ट बीट, ठीक है, और आप लोग का पल्स वगैरह देखा जाता है स्टेथोस्कोप पे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है स्टेथोस्कोप, ठीक है दोस्तों।